हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्लेवर्स ट्यूब में। तो आज हम आए हैं एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, और आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टेस्टी डिलीशियस रेसिपी हम बनाएंगे, और बैंगन के साथ हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाएंगे मसालेदार बैंगन का भरता। तो बहुत ही टेस्टी और इंटरेस्टिंग ये रेसिपी होगी। तो चलिए इसे बनाने का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो बैंगन है और उसके साथ साथ टमाटर, प्याज, उसे थोड़ा सा हमें ग्रिल कर लेना है। तो इसके लिए हम एक ग्रिल पैन ले लेंगे। इसमें हम हल्का सा सरसों का तेल हम इसमें डालेंगे और उसे गर्म होने देंगे। फिर आप जो बैंगन है उसमें आप दोनों साइड से ऊपर से आप स्लिट आप थोड़ा सा बना लें, इसे काट लें, और इसके अंदर आप 2 से 3 गार्लिक के जो पॉड्स हैं वो आप डाल लें, और ग्रीन चिलीज वो आप इसके अंदर आप डाल लें, और इसे हम ग्रिल होने के लिए हम ग्रिल पैन के ऊपर रख देंगे। साथ साथ हम टमाटर और एक छोटा प्याज वो भी हम इसमें डालेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो बैंगन और टमाटर प्याज हैं वो थोड़ा सा भुज जाते हैं, थोड़ा सा ग्रिल हो जाते हैं, तो उसका एक अलग फ्लेवर आता है बैंगन के भरते में, जो स्मोकी टेक्सचर आता है। तो इसे लगभग सभी साइड से एकदम चार्ड होने तक, एकदम अच्छी, जब ये पूरा लगभग बर्न टेक्सचर जब तक इसमें ना आ जाए तब तक हमें इसे ग्रिल करते रहना है, पलटते हुए कंटिन्यूसली हम इसे पलटते रहेंगे ताकि ये इवनली सभी साइड से ग्रिल हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो प्याज और टमाटर थोड़ा सा जल्दी हो जाता है तो आप इसे निकाल लें, और जो हमने इसमें गार्लिक और ग्रीन चिली डाला है उसका फ्लेवर इसमें बैंगन में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो जब बैंगन अच्छी तरह से एकदम चार्ड टेक्सचर इसमें आ जाए तब हम बैंगन को निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, इसका भरता बना लेंगे। तो दोस्तों, हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं बैंगन, प्याज, टमाटर, वो भुज चुका है, ग्रिल हो चुका है। अब हम इसका जो मसाला है वो हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक फ्राइंग पैन में आप तेल ले लें, इसमें आप डालें हींग, ज़ीरा, इसे थोड़ी देर क्रैकल होने दें। फिर हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए प्याज, और इसके साथ साथ जो भुजा हुआ प्याज है, ग्रिल प्याज है, वो भी हम इसमें डालेंगे, इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे डाइस किए हुए टमाटर, चॉप किए हुए ग्रीन चिलीज, और साथ साथ जो भुजा हुआ टमाटर है थोड़ा सा जो गल गया है वो भी साथ साथ इसमें डाल लेंगे, और इसे अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हम मिलाते हुए हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट। तो दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिलाते हुए सभी चीज़ों के साथ हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे जो सूखे पाउडर्ड मसाले हैं, बेसिक मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक और थोड़ी सी चीनी, सभी फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी हम इसमें डालेंगे। तो सभी मसाले हमने डाल लिए, इसे अच्छी तरह से 7 से 10 मिनट सभी चीज़ों के साथ मिलाते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ अगर मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से 7 से 10 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे, और फिर हम इसमें 2 से 3 उबले हुए आलू हाथ से मैश करके हम इसमें डालेंगे। तो आलू हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो भरता है वो थोड़ा सा स्मूथ बन जाए, इसमें एक स्मूथ टेक्सचर जो आलू के साथ आता है वो लाने के लिए हम इसमें उबले हुए आलू मैश करके डाल रहे हैं। तो 2 से 3 या 4 उबले हुए आलू, छोटे साइज़, उसे हम मैश करके हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए। और आलू डालने के बाद फिर हम इसमें जो चार्ड बैंगन है, जो भुजा हुआ बैंगन है जिसे हमने मैश कर लिया है, वही मैश्ड बैंगन वो हम इसमें डालेंगे, और अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिलाते हुए हम इसे और 7 से 10 मिनट कुक करेंगे। तो बीच बीच में अगर ये मिक्सचर ड्राई हो जाए थोड़ा थोड़ा पानी भी आप ऐड करते रहें, और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए आप इसे 7 से 10 मिनट कुक करें। फिर आखिर में हम इसमें थोड़ा सा और गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर लीव्स वो उसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे और इसे फिनिश करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो बैंगन का भरता है वो एकदम बनकर रेडी हो गया है, टेस्टी डिलीशियस मसालेदार। तो इसे आप सर्व करें रोटी के साथ, नहीं तो स्टीम राइस, दाल, किसी के साथ भी इसका टेस्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो रेसिपी है वो ज़रूर पसंद आई होगी, और इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे।
तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फ्लेवर्स ट्यूब को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक्स अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो हम फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।